दिल्ली जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई की नेता और कार्यकर्ता बुधवार को सड़कों पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने दिल्ली जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर वरुणालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड मुख्यालय का घेराव भी किया। साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और उस समय के जल बोर्ड के चेयरमैन दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो उस समय डिप्टी चेयरमैन थे जल बोर्ड के, और इनके दो विधायक भी जल बोर्ड के मेंबर थे। 1 जुलाई 2022 को उन्होंने इस ठेके को मंजूरी दी और 29 अगस्त 2022 को ही मैंने दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को शिकायत की कि लगभग ये 500 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता श्री मनीष सिसोदिया कर रहे थे, उनके द्वारा किया गया है, इसकी जांच कराई जाए। अब उसकी जांच आगे बढ़ी है। हम दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए और मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और जो इन पार्टी के दो विधायक हैं, शरद कुमार चौहान और जो चौथे विधायक हैं जो बोर्ड के मेंबर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।